Hey guys, welcome back. You're watching JK Spoken English. In today's video, we will discuss all about 25th of February 2021 IELTS exam prediction. So, जो भी बच्चे स्टेट को अपना IELTS का एग्जाम कंडक्ट करने जा रहे हैं या फिर अपने एग्जाम की डेट बुक करने जा रहे हैं, इस वीडियो को विदाउट स्किप के एंड तक वॉच करना बिकॉज ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है. जो भी हमने 6th of February के एग्जाम के लिए प्रेडिक्ट किया एग्जाम एज इट इज सेम आए एज अ प्रूफ हमें आपके साथ रिव्यू वीडियो में स्क्रीन शॉट भी शेयर कर. मोरओवर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी मॉड्यूल के लिए बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस पे. आज ही हमसे कॉन्टैक्ट करो इंस्टाग्राम टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप नंबर पे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ऑल अबाउट लिसनिंग देन रीडिंग थर्डली राइटिंग लास्टली वी विल डिस्कस अबाउट स्पीकिंग. स्पीकिंग में किस तरह की क्यू कार्ड आपको प्रिपेयर करनी चाहिए और पूछे जा रहे हैं बच्चों. सो लेट्स स्टार्ट विद लिसनिंग. लिसनिंग पार्ट वन की अगर हम बात करें तो पार्ट वन में आपको कंप्लीट द फॉर्म टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं जिनका आंसर रह सकता है वन वर्ड और अ नंबर. वन वर्ड के साथ आप एक नंबर भी लिख सकते हो और आपको और आपके जो क्वेश्चन है वो किसी पर्टिकुलर मीटिंग की रिगार्डिंग उसका टाइम कहाँ पे है उसका वेन्यू इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं. तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन की इन्फॉर्मेशन उसका नेम उसका कॉन्टैक्ट नंबर इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं. तो पार्ट वन का लेवल रह सकता है इजी टू द पार्ट टू. पार्ट टू में आपको चूज द करेक्ट लेटर टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. लाइक आपको ए बी सी में कोई एक लेटर को चूज करना होगा और जो स्टेटमेंट होगी काफ़ी सिंपल होगी शॉर्ट होगी और जो इसके आंसर्स होंगे वो भी काफ़ी शॉर्ट होगी आपको ईजिली आंसर मिल और साथ ही साथ मैप की यानी कि पॉसिबिलिटी ज़्यादा तो आप मैप की प्रेपरेशन भी कर सकते हो. तो इसका लेवल रह सकता है अगेन. पार्ट थ्री में आपको लार्ज एमसीक्यूज आ सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो स्टेटमेंट होगी काफ़ी ट्रिकी और लार्ज हो सकती है और जो इसकी ऑप्शंस होगी वो भी काफ़ी ट्रिकी और लार्ज हो सकती है. ईजिली आपको समझ नहीं आएगी. दैट्स वाई जब भी स्टार्टिंग में आपके पास टाइम हो आप इस पैसेज पे ज़्यादा दो और इसके जो कीवर्ड्स वगैरह है उसे अंडरलाइन करके रखो और जल्दी जल्दी में एक बार क्वेश्चन और आंसर्स को रीड कर लो जब आप इस पैसेज तक पहुंचो आपको इजी हो सके और इसमें जो हमारी ऑडियो होगी वो भी लिटिल बिट फास्ट हो सकती है. इसका लेवल रह सकता है. लेट्स टॉक अबाउट पार्ट फोर. पार्ट फोर में अगेन आपको फिलप्स टाइप की क्वेश्चन आ सकते हैं जिनका आंसर रह सकता है नो मोर देन टू वर्ड्स और इसके लिए स्पेशली आपको स्पेलिंग्स पे वर्क करना चाहिए बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है बच्चों को आंसर्स तो मिल जाते हैं बट ड्यू टू स्पेलिंग उनका आंसर रॉन्ग हो जाता है और लिटिल बिट मिस्टेक की वजह से उनका स्कोर है वो कम हो जाता है. दैट्स वाई स्पेलिंग्स पे वर्क करो कि आप स्पेलिंग्स वीडियोस चाहते हो उस चैनल पे स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करवाई जाए देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो. हम आपके लिए स्पेलिंग्स पे वीडियोस लेके आएंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो स्पेलिंग्स को इम्प्रूव कर सकते हो. तो पार्ट फोर का लेवल रह सकता है अगेन इजी टू मॉडरेट. अगर हम ओवरऑल लेवल की बात करें तो ओवरऑल लेवल रह सकता है इजी टू मॉडरेट और इसका जो एक्चुअल लेवल होगा वो जो कैमरेज की लिसनिंग होती है वो वाला सेम लेवल. रीडिंग पैसेज वन की अगर हम बात करें तो पैसेज वन में आपको कंप्लीट द नोट्स टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं जिनका आंसर रह सकता है वन वर्ड मीन्स वन वर्ड ही लिखना है आपने कोई आर्टिकल वगैरह नहीं लिखना. अगर आप लिखोगे तो आपका आंसर रॉन्ग कंसीडर किया जाता है. तो दैट्स वाई इंस्ट्रक्शंस को आप पहले केयरफुली रीड कर लिया करो. अगर वन वर्ड है तो वन वर्ड ही लिखना है अगर टू वर्ड है तो टू वर्ड तक आप लिख सकते हो वन वर्ड भी लिख सकते हो. एंड इसमें आपको साथ ही साथ आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एंड इसका लेवल रह सकता है. बात करें तो पैसेज टू में आपको विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. आपको क्वेश्चन दिया होगा जिसको आपने उसके करेक्ट पैराग्राफ से मैच करना होगा और जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं वो लिटिल बिट ट्रिकी होते हैं और साथ ही साथ आपको कंप्लीट द समरी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं जिनका आंसर रह सकता है नो मोर देन टू वर्ड्स. और अगर हम इसके लेवल की बात करें तो लेवल रह सकता है मॉडरेट. पैसेज थ्री की अगर हम बात करें पैसेज थ्री में आपको चूज द करेक्ट लेटर टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. लाइक क्वेश्चन होगा उसके नीचे फोर ऑप्शंस हो सकती हैं ए बी सी डी में जिसको जिसमें आपने क्वेश्चन के साथ जो रेलेवेंट करेक्ट आंसर है उसको चूज करना होगा और साथ ही साथ आपको आ सकते हैं मैच द इंफॉर्मेशन टाइप के क्वेश्चन और आ सकते हैं 4 to 5 यस नो नॉट गिवन. तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो एंड इसका लेवल रह सकता है मॉडरेट टू हार्ड. एकेडमिक वाले बच्चों की रीडिंग के ओवरऑल लेवल की अगर हम बात करें तो रह सकता है. इसके बारे में डिस्कस करते हैं. राइटिंग टास्क वन टास्क टू के लिए हम जो भी प्रेडिक्ट करते हैं
एग्ज़ाम एज इट इज़ सेम आता है, और टास्क टू के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए अलग से वीडियो बनती है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। और टास्क वन हमने जैसे 6 फरवरी के लिए ओनली 3 जो टास्क वन है वो प्रडिक्ट किए थे, और एक आया उनमें मॉर्निंग सेशन में और एक आया इवनिंग सेशन में। तो अभी देखते हैं आपको कौन से प्रिपेयर करनी चाहिए। प्रिपेयर करनी चाहिए बार, प्रोसेस और मैप, इन तीनों में से किसी एक तरह का टास्क वन आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। टास्क टू की अगर हम बात करें, टास्क टू के लिए आपको एग्री डिसएग्री, डिस्कस बोथ व्यूज और एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी ऐसे आपको आ सकता है। टॉपिक वाइज अगर हम बात करें आपको किस तरह के टॉपिक प्रिपेयर करने चाहिए, इसके लिए अलग से वीडियो बनेगी और जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जीटी वाले बच्चों की अगर हम टास्क वन की बात करें तो आपको सेमी फॉर्मल और फॉर्मल टाइप ऑफ लेटर वहाँ भी देखने को मिल सकता है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर हम रीडिंग की बात करें तो रीडिंग पैसेज वन में आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, और साथ ही साथ आपको फुलअप्स आ सकती हैं जिनका आंसर नो मोर देन 2 वर्ड्स रह सकता है। 2 वर्ड्स मीन्स कि आप 1 वर्ड भी लिख सकते हो और 2 वर्ड भी, काफ़ी ज़्यादा चांसेज है कि फुलअप्स और ट्रू फॉल्स ही देखे जाएंगे पैसेज वन में, जिसका लेवल रह सकता है इजीली आपको सारे। अगर हम बात करें पैसेज टू में आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, और साथ ही साथ आपको मैच द इन्फॉर्मेशन टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं जिसका लेवल रह सकता है इजी टू मॉडरेट। अगर हम बात करें पैसेज थ्री में आपको MCQs आ सकती हैं, और साथ ही साथ यस नो नॉट गिवन टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, और जिसका लेवल अगेन इजी टू मॉडरेट रह सकता है। ओवरऑल लेवल की अगर हम बात करें तो ओवरऑल लेवल भी आपका इजी टू मॉडरेट रह सकता है।